दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान जोधपुर में। यहाँ का कल्चर और फूड आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर की हार्ड वर्किंग लेडी लक्ष्मी कंवर जी, जो कि अपने क्लाउड किचन में राजस्थान की ट्रेडिशनल नॉनवेज रेसिपीज लोगों को सिगड़ी पर ट्रेडिशनल तरीके से बनाकर सर्व करती है। और आज यहाँ हमारे लिए बनाया जा रहा है चिकन हांडी बूथे, जो कि चिकन की एक बहुत ही खास रेसिपी है, क्योंकि इसको चिकन के बोनलेस पीसेस के साथ खड़े मसाले और बहुत सारा मक्खन डालकर बनाया जाता है। और तो और, ऑर्डर के पार्सल में एक कोयले को टुकड़े को रखा जाता है, ताकि कस्टमर के खाने को नजर से बचाया जा सके। तो चलिए आज आपको मारवाड़ी जायका किचन से चिकन बूथे की बिल्कुल अनोखी रेसिपी दिखाते हैं, और फिर उसे खाकर आपको उसका स्वाद भी बताते हैं। कैसे हैं? आपका सेटअप बहुत बढ़िया होता है, सीरियसली। थैंक यू। नेचर में ही हुकुम हम लोगों के, कुकिंग करनी है तो एकदम परफेक्ट करनी है। तो आज क्या बना रहे हैं? आज हुकुम हांडी बूते बना रहे हैं। अच्छा, जोधपुरी जैनिस के फेवरेट। अच्छा, हुकुम बाबजी हुकुम के फेवरेट। क्या बात है। मेरे फादर 20 से भी ज्यादा हो गए उनके अंडर काम करते, तो उन्होंने हमको सिखाई थी रेसिपी और हमने फिर क्लाउड किचन के अंदर इसको ऐड करी। श्योर हूं मैं कि ऐसा स्वाद तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हुकुम आपका नाम एक बार बता दीजिए। लक्ष्मी कंवर। तो हुकुम आप कब से कर रहे हैं ये क्लाउड किचन? हुकुम 2020 से। हुकुम तो हुकुम आज क्या बना रहे हैं अपन? हुकुम हांडी बूते। हुकुम तो ये आपके पास कैसे आई डिश? ये मेरे हस्बैंड ने दी। हुकुम वो महारानी बाग में सर्विस करते हैं, ये वहीं बनती है और कहीं नहीं बनती है। तो ये महारानी बाग कहाँ है? हुकुम रणकपुर में। पूरा जो सेटअप है बिल्कुल देसी जैसे होना चाहिए, चूल्हे पे और ये सिगड़ी पे बनेगी एक्चुअली। और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होगी? तो हुकुम इसके लिए क्या क्या लेंगे हम? काचरी हुकुम, लहसुन, अदरक, गरम मसाला, दही, हरी मिर्ची, धनिया, बटर, नमक और ये हांडी चोपड़ने के लिए थोड़ा सा घी। तो घी और बटर दोनों लिया है आपने? ये थोड़ा सा घी तो थोड़ा सा चाहिए, बिल्कुल। हांडी अपन चोपड़ते हैं ना, बस उतना ही, बाकी सारा बटर जाएगा। तो ये जो बूथे होते हैं हुकुम, ये तो ये सुलह में पोते हैं, अपन ग्रेवी वाली बनाएंगे हांडी में, फिर अलग टेस्ट आए, इसको वापस दुंगार लगाएंगे लास्ट में। तो मतलब आज सूले खाएंगे और ग्रेवी में खाएंगे। ग्रेवी में ये मुर्ग की रेसिपी होती है और ये बोनलेस होते हैं। इनको वैसे तो खाया जाता है सेक करके या फिर है ना रोस्ट करके खाया जाता है, स्नैक्स में खाया जाता है, बट इसका एक रेसिपी बनती है जो ग्रेवी में बनती है और वही आज हम लोग बनवाएंगे यहाँ पर। इसमें जाते हैं 150 ग्राम ये मिर्ची है। ये मिर्ची हो गई बिल्कुल जैसे टिपोरों की तरह काटा जाता है उस तरह। और ये 150 ग्राम धनिया हो गया। 150 ग्राम धनिया दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। अच्छा, और 100 ग्राम लहसुन। तो लहसुन की भी पूरी कलियां जाएंगी। 150 ग्राम अदरक। 150 ग्राम अदरक। तो ये प्रोसेस हो रहा है मैरिनेशन का, राइट? ये प्रोसेस हो रहा है, फिर इसको पीसा जाएगा, पेस्ट बनेगी जिसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स लिए जा रहे हैं। ये काचरी होगा इसी के लिए, मतलब ये खटाई के लिए, लोकल खटाई कह सकते हैं राजस्थान की आप। तो अभी इसको डाल देंगे ना। ये 4 चम्मच काजरी, 4 चम्मच लाल मिर्च का, थोड़ा सा ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, क्यों हरी मिर्ची ज्यादा है अंदर जी, इसलिए नमक स्वाद के अनुसार। और ये आधा किलो दही पूरा जाएगा। ये आपके जी दही है? आधा किलो दही है, घर पे जमा हुआ दही है हमारा, कोई मार्केट से नहीं लाया हुआ, घर वाला अलग ही दिख जाता है। हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हम घर में यूज कर रहे हैं वो हम अपने कस्टमर्स को दे सकें। तो अभी ये हम सारी चीजें जो आपने इसमें डाली डाल दी मैंने जी। अब मैं इसको ग्राइंड करके लेके आती हूँ। तो फाइनली ये पीस करके आ गया, तो आप करेंगे मैरिनेट ना? ओके। तो दोस्तों देखो, एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये बोनलेस चिकन है 1 kg के रहा हूँ जी। तो ये रेसिपी तो मतलब हर कोई खा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये डल गया दोस्तों इसमें पूरा पेस्ट, अभी इसको कर दिया मैरिनेट। वैसे तो बताया था हुकुम ने कि इसको मैरिनेट करने के लिए एटलीस्ट ना 1.5 घंटा 2 घंटे मैरिनेट करते लगते हैं इसको पूरा खींचने के लिए अंदर। बट आज हम आपको, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, आज आपको पूरा प्रोसेस तो दिखाएंगे कि आप कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों देखो, मैरिनेशन हो चुका है, अब हम बस इसकी तैयारी करते हैं और ये रख देते हैं सिपरी सिगड़ी पर। एक बार फिर हमने बीच में उतार ली थी नीचे, ये तो गर्म हो जाती है। तो हुकुम देखा जाए तो ये एक इजी रेसिपी है ना, क्विक रेसिपी है। तो अभी सबसे पहले आप घी डाल रहे हो, राइट? थोड़ा सा घी डालेंगे। ये देखो, और आपने कहा था बस ग्रीसिंग के लिए। और ये वाली चीज, जो चीज आज हम बना रहे हैं, ये मेरे ख्याल से जब पार्टीज करते हैं लोग ज्यादातर, या तो आप पार्टी करते हो तब, या स्नैक्स के टाइम आप कुछ चीमना चाहें तो बना सकते हो, तो ज्यादा बना। अभी हम इसमें डाल देते हैं। तो अभी हमने दोस्तों इसको मैरिनेट करके तकरीबन 15 मिनट रखा था, और उसके बाद में अब हम ये पूरा जो है ना घी डालने के बाद में, घी की ग्रीसिंग करने के बाद में हमने ये डाल दिया। आपकी फेवरेट डिश क्या है जब आप जिम तो?
सभी फेवरेट है उनको, कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं है। तो आपको वेज ज्यादा पसंद है कि नॉन वेज खाने में? नॉन वेज डेली बनता है तो कभी कभी लगता है कि वेज हो तो चलता है। अच्छा, वो ज्यादा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, कभी भुंजा, कभी लाल मांस, कभी खड़े मसाले वाला। हाँ, ऐसे वैसे भी राजपूत फैमिलीज में ज्यादा पसंद करते हैं लोग। अपन इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे कि खुला ही पकेगा, अभी थोड़ा सा उकाला आ जाए, गर्म हो जाएगा वो जी, ये कदकद हो जाएगा, फिर बटर डाल देंगे अपन। पूरा बटर डाल, पूरा 200 ग्राम बटर है। क्या बात, एक बार दिखाइएगा उठा के बटर। दोस्तों देखो, बहुत यूनिक सी रेसिपी आज लग रही है, क्योंकि ये जो बटर है ना, बिल्कुल घर का निकला हुआ वो बटर इसमें जाएगा, एक उबाल के बाद आपने कहा है ना। और थोड़ा सा गरम मसाला, हुक्म इसको उबालना जरूरी है, वरना दही फट जाता है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। अच्छा, सेम जैसे व्हाइट मीट बनाते हैं, सेम वही रेसिपी है। उबाल आते ही फिर आप बटर डाल दे रहे हो, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे रहे हो, फिर आप तो कम। आपको अगर किसी को ऑर्डर करना हो, जैसे आपका क्लाउड किचन है ना, तो कितनी देर पहले ऑर्डर करना होता है? इसमें बनने में तो घंटा भर लगता है जी। और अगर आपको खटाई वगैरह बराबर चाहिए तो आपको 2 घंटे पहले फोन करना पड़ता है, क्योंकि इसको मैग्नेट करके रखना पड़ता है। जितने टाइम की प्रिपरेशन है और उससे 1-1.5 घंटा पहले आपको ऑर्डर आ जाए तो आप तुरंत, आप जैसे अभी किया है, कोई तुरंत मांगता है जैसे अभी बनाया वैसे तुरंत करके देना पड़ता है। जैसे अब किसी को कल चाहिए तो वो आज ऑर्डर देते हैं, जो मैं रात को करके रख देती हूँ तो रात भर में वो पूरा खींच लेता है। और आप जो मिनिमम ऑर्डर लेते हैं वो कितना लेते हैं? किलो, आधा किलो, आधा किलो से स्टार्ट हो जाता है। सेम लाल मांस के जो भी ऑर्डर जाते हैं सेम वैसे ही है। तो मतलब 1 किलो तो बकरे का ही वेट हो गया, उसके अलावा जो ग्रेवी और वो है वो तो एडिशनल है। तो टोटल वही हो जाता होगा 2 किलो के आसपास वेट, 1.5 किलो के आसपास, 1.5 किलो के आसपास। वो हम थोड़ा थिक ग्रेवी के अंदर रखते हैं उसको, लाल मांस को। अच्छा, ऐसा एकदम ही नहीं है कि पतला कर दिया, वो एक बार हम पूछ भी लेते हैं कस्टमर से, आप कस्टमर से पूछ लेते हैं पतला करना है झोल कैसा रखवाना, उस हिसाब से हम करवा देते हैं। अभी इसमें उबाल आ गया, उबाल आ गया। देखो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी देखिए ये बारी आ गई बटर डालने की। बटर डाल, ये देखो 200 ग्राम के आसपास बटर गया है। आप इसकी जगह घी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी के पास बटर नहीं है तो घी डाल सकते हैं। घी डाल दो, इतना सही लग रहा है। देखिए थोड़ा सा गरम मसाला, ये गरम मसाला आ गया। ये देखो दोस्तों, अब जो है ना पूरा इसको मिक्स किया जा रहा है। तो कम, आप जो भी रेसिपीज बनाते हो वो सारी सिगड़ी पे होती है या कुछ सिगड़ी पे कुछ गैस पे? कुछ सिगड़ी पे कुछ गैस पे, और कुछ ज्यादा जैसे बड़े ऑर्डर आते हैं तो चूल्हे पे, फिर तो वो चूल्हे पे चले जाते हैं। जैसे आप 5 किलो का ऑर्डर दे रहे हो तो हमको भी पता है वो गैस पे तो बन नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली हम शिफ्ट हो जाता है वो चूल्हे पे बनता है। दोस्तों देखो, जैसा की हुकुम ने बताया था ना कि जैसे जैसे ये पकेगा, जैसे जैसे उबाल आता रहेगा ना, तो थोड़ा सा डार्क होता रहेगा। तो अभी जो इसके ऊपर तरी आई है ना ये मक्खन की, वो भी देखो थोड़ी सी आपको डार्क लग रही होगी, हरा डार्क कलर होने लगा है। बाकी अभी कितना समय लग जाएगा हुकुम इसमें? हुकुम बस ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक होने में आधा घंटा लगेगा। अंगीठी है ठीक होते ही फिर तैयार है। और बाकी तो शायद हमारे ऊपर है कि आप कितना झोल रखना चाहते हो। हाँ, है ना। हाँ, ये आपके ऊपर है हुकुम, कितना रखना चाहते हो, एकदम ड्राई करना चाहते हो या थोड़ी सी ऐसी। मॉडल लेते वक्त उनसे पूछ लेते हैं कि हुकुम आप किस तरह से चाहते हो, एक थिक होता है एकदम सूखा वैसा, या थोड़ी आपको ग्रेवी में चाहिए? अच्छा, हम उनसे पूछ के फिर। तो हमारा तो हुकुम आप थोड़ी ग्रेवी में रखना हुकुम, हम तो इसको रोटी के साथ जीवेंगे। हुकुम जरूर हुकुम। मैं शादियों के आई थी जब यहाँ पे, पहले खाना सब मिलजुल के बनाते थे हुकुम। अच्छा, जितनी भी लेडीज होती थी सब शादी का जो भी है एक ही रसोई होती थी ना पहले। हुकुम सब मिलजुल के जो भी खाना, जो भी बंदोलो दे रहे हो आप, जो भी कुछ भी कर रहे हो, तो सबको एक एक काम बता रहे, आप ये बना लेना, आप ये बना लेना, हम ये कर लेंगे। 5-6 लेडीज सब रोटियों पे बैठ गई, वो सब पहले वो अपने कुक नहीं थे, सब घर के ही थे, घर के ही बनाते थे। अब आजकल क्या हो गया, कुक रख लेता है, कोई बनाने वाला रख लेता है। मिक्सर ग्राइंडर आ गए, मिक्सर ग्राइंडर हो गया। पहले सिल बट्टे पे पीसा जाता था, चूल्हे पे बनाया जाता था, अंगीठी पे, या फिर जेंट्स कहीं बाहर बैठे होते हैं तो वहाँ अंगीठी लगा लेते थे, वहाँ बन जाता था। ये अभी जेंट्स अभी भी बनाते हैं तो बाहर अंगीठी ही लगा के बनाते हैं। मतलब सारे कल्चर फॉलो करे जाते हैं, कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है जो हम फॉलो नहीं करते। जैसे हम फार्म जाते हैं तो सब वहाँ चूल्हे पे ही काम होता है। गैस का यूज बिल्कुल, आप कोई जल्दी है चाय बनाने की तो आप गैस पे बना लो, वरना सारा खाना वगैरह अपने जितने जाना जाते हैं सब चूल्हे पे बनता है। और जो आज के जो ये सब जेंट्स हैं, जैसे कोई बड़ा खाना बनाना है, नॉनवेज बड़ा बनाना है, तो यहाँ बाहर ही चूल्हा लगाएंगे और सब इकट्ठे हो जाएंगे, फिर सब जने वहाँ मिलके बनाएंगे उसको। आज भी देखो अब ठीक होने लगी है जी, ये सारा बच्चा छोड़ दिया है, बहुत बढ़िया।
इस तरह से। तो आपको एक्चुअली होता क्या है कि दोस्तों देखो आप कंसिस्टेंसी, अभी जैसे ये डार्क हो गई ना ऊपर, आप देख रहे हो कि अब जो घी है या फिर मक्खन है वो भी अलग हो चुका है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये डन है। आप चाहो तो अभी निकाल लो या चाहो तो आप कितनी भी टाइट करनी है तो कर टाइट टाइट कर सकते हो। अब अगर आपको ऐसे जिमनी है जी, तो अभी नीचे उतार के इसको दुगार लगा के आपको सर्व कर सकती हूँ। तो हुकुम दुंगार आप सारी रेसिपीज में लगा? नहीं सारी नहीं हुकुम, एक भुंजवा में जी और एक हांडी बुतो में, अच्छा इसमें लगाती हूँ मैं। दोस्तों देखो ये रेडी हो चुका है, ये उतार दिया हमने कोयलों से। क्या लग रहा है यार ये देखो दोस्तों, आप इसकी रंगत आप देख लो फाइनली। बट अभी तो जितना हम तेज दे सकते हैं, जितना रॉनेस जितना स्मोकीनेस दे सकते हैं वो तो ऐसे ही दे सकते हैं। अब देखो एक प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आपको जो मुझे बहुत पसंद है, जो हुक्म करते हैं कि एक है ना धुंगार लगाने का, ये देखो कैसा तरीका है कि एक आटा लगाया हमने प्लेट पर, और आटा लगाने के बाद जो खीरा है जो कोयला है उसको उस पर देखो इस तरह से स्टिक करके, और ये डाल दिया घी, और ये देखो इस तरह से फिर कर दिया बंद इसमें, तो आटा लगाने से वो नीचे गिरता नहीं होगा? हुकुम नीचे नहीं गिरता है। क्या अगर आप चाहो तो कटोरी रख सकते हो जी, कटोरी के अंदर खीरा रख के आप इसके ऊपर घी डाल के दे सकते हो हुकुम, पर मेरे को ज्यादा ये सही लगता है आटा लगा के हुकुम। ये ट्रेडिशनल है, पुराना तरीका है। ढुंगार भी लग चुका है तो अभी देखो सर्व करेंगे बस। ये देखो यार बहुत बढ़िया, फाइनली जो रंगत है ना वो आप लोगों के सामने है। क्या बात है, वो मजा आ गया। बहुत सॉफ्ट है हुकुम। हुकुम आप जी मैं बताओ हुकुम कैडी बनेगा जी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष, मैं हूँ जोधपुर में द ब्लू सिटी में, और जोधपुर में ना आज हम लोग जिस क्लाउड किचन में आए हैं उसका नाम है मारवाड़ी जायका। और आपने देखा किस तरह से हुकुम ने बिल्कुल ट्रेडिशनल अटायर में ट्रेडिशनल स्टाइल से सिगड़ी पर, और जब ये बन रहा था आपने देखा कि कितने रिच इंग्रेडिएंट्स इसमें डले थे। अभी गर्म है, जब तक हम इसको पहले खा लेते हैं और मैं आपको पूरा जो है ना टेस्ट इसका बताता हूँ। और ये देखो बिल्कुल सिगड़ी पे राख लगी हुई, आप देख रहे होंगे सिगड़ी पे सिकी हुई ये चपाती है, तो इसको लेते हैं। देखो वैसे तो क्या होता है, सूले जब भी खाए जाते हैं या बनाए जाते हैं ना, तो इसको बनाया जाता है एज अ स्नैक्स खाने के लिए। देखो कितना स्मूथ है, और ये देखो गलावट बहुत ही शानदार, और इसको हमने ना थोड़ी लटपट ग्रेवी के साथ में रखवाया है। ये देखो इधर से उठाते हैं, ये देखो है मज़ा। पहले इसको ऐसे ही टेस्ट करते हैं। जो स्मोकी फ्लेवर आया ना इसमें, देखो एक तो मुर्ग की रेसिपी है तो मुर्ग वैसे भी जल्दी पक जाता है, उसके अलावा बोनलेस है तो बोनलेस पीसेस इतने टेंडर हो गए हैं, इतने अच्छे से देखो घुलने वाली फीलिंग मैं की उठाता हूँ, और ये देखो सी ये देख लो एक हाथ से, और ये जितना भी कोने में आप देख रहे हो ना ये सारा मक्खन है। ये देखिए ये जो है ये पूरा जो है मक्खन है, तो मक्खन जो है देसी था, नुकसान नहीं है, हालांकि टेस्ट बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत ही क्रीमी, बहुत ही जो इसमें फ्लेवर्स जो डले थे ना, आपने देखा था लहसुन डला था, अदरक डली थी, मिर्ची डली थी, तो मिर्च हरी थी, तो वो जब बिल्कुल आपका निवाला ख़त्म हो जाएगा ना तब थोड़ी सी तीखापन आपको लगेगा जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब ये है निवाला देखिए, और इस पर है ना मैं ये जो नींबू इन्होंने दिया है ना इसके ऊपर ये इस पर डालूँगा इस तरह, और ये थोड़ा सा जो है ना प्याज इसके ऊपर सी। इस तरह से सूले खाए जाते थे एक्चुअली, आज भी खाए जाते हैं, कुछ लोग ग्रेवी में पसंद करते हैं मेरे जैसे। बहुत खूबसूरत रेसिपी है, हम आपके लिए पूरी रेसिपी इसलिए लाते हैं क्योंकि कई जगह होती है कि आप नहीं जा सकते, तो अगर आप राजस्थान में नहीं है दूर है तो आप हमारी ये रेसिपी बनाकर भी खा सकते हो। हालांकि हमने मैरिनेट ज्यादा देर नहीं किया क्योंकि रेसिपी दिखानी थी। आप इसको 1 से 2 घंटे मैरिनेट करेंगे ना तो और अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि सारे जो फ्लेवर्स है ना वो चिकन के अंदर तक चले जाते हैं। और उनका धुंगार लगाने का तरीका आपने देखा बिल्कुल ट्रेडिशनल, एक थाली पे आटा लगा के उस पे खीरा चिपका के घी डाल के और फिर लगाती है ताकि वो उस रेसिपी में गिरे भी ना और पूरा जो है ना स्मोकी फ्लेवर उसमें आ जाए। ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा है, सूले बहुत स्वादिष्ट बने हैं, रंगत आपके सामने है, कैसे भी खा सकते हैं, चाहे आप इस तरह से उठा करके
इस तरह से भी खा सकते हैं। आपको अगर ये ऑर्डर करना है तो आप मारवाड़ी जायका से ऑर्डर कर सकते हैं। जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, क्योंकि ये स्विगी जोमेटो पर नहीं है, तो इन पे कॉन्टैक्ट करके आप मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर जोधपुर ये डिलीवर करते हैं। अब मैं एक और निवाला खा लेता हूँ पहले। इतना स्वाद बना है ना, बोलते बोलते ऐसा लग रहा है कि बस मुँह में ख़त्म हो। और इस तरह से लेकर, और नींबू डाला था तो बहुत सही मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो प्रिपरेशन होती है ना, वैसे भी चिकन आप खाओ तो लेमन का यूज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए लेमन चिकन और इस तरह की रेसिपीज़ बनती हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है जब आप लेमन इसमें स्क्वीज करते हो। टू गुड यार, ये रेसिपी तो मैं आपको बता दूं, आधा किलो से कम की प्रिपरेशन नहीं बनाते हैं। आपको मिनिमम ऑर्डर जो है आपका आधा किलो रखना पड़ेगा, चाहे आप मुर्ग लीजिए चाहे मांस लीजिए। सब कुछ आपके लिए फ्रेश बनाया जाएगा जिस तरह से बनता है। अगर आप इनको एक दिन पहले ऑर्डर देंगे तो बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल जैसे हमने आज बनवाया वैसे ही बन करके आपको मिलेगा। उसी के साथ अगर आप वेज रेसिपीज चाहते हो तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और आज भी अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, चाहे मटन हो चाहे चिकन रेसिपी हो, जब आपके पास पैकिंग आएगी ना तो आप देखिएगा आपकी पॉलीथिन में या जो भी पैकिंग होगी उसमें एक कोयले का टुकड़ा भी साथ में आएगा। क्योंकि माना जाता है कि जो मटन रेसिपीज है, जो चिकन रेसिपीज हैं, उन पे बुरा साया या फिर किसी की नजर ना लगे, इसलिए वो कोयला डाल करके दिया जाता है। जैसा कि मैंने देखा, एक ऑर्डर जा रहा था तो मैंने देखा कि उसमें कोयला डाला हुआ था, और मैंने पूछा इनसे कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो ये इतना ट्रेडिशनली अपने ट्रेडिशन को जो है ना फॉलो करते हैं, और यही कारण है कि इनके हर एक चीज में टेस्ट है। कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये चीज, ये ट्रेडिशन पता था कि नहीं पता था। ये ना यहाँ की मस्ट ट्राई रेसिपी है। अगर आप पसंद करते हैं चिकन या मटन भी, तो ये रेसिपी एक बार सूले की जरूर लेकर देखना यहाँ से। एक है सजेशन, बस गरम गरम खाइएगा। तो देखो, अब मैंने इतने निवाले ले लिए, तो अब इस जगह पे मैं आपको ना इस बहुत ही शानदार सूलो की रेटिंग दे देता हूँ, और इसकी रेटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और इसकी रेटिंग बकायदा ये होनी चाहिए, इससे 1% कम नहीं। रेसिपी तो जैसे बनी वैसे बनी, लेकिन जो धुंगार ने अपना काम किया है ना, शानदार। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम हमारा वीडियो जो है ना यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियोस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालते हैं, और अभी हमने हमारी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप हमारी कवर की हुई जगह के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। बाकी तो शानदार रेसिपी है, मौसम भी आज ठीक ठाक है जोधपुर का, और इस लास्ट निवाले के साथ आज की वीडियो से आपको अलविदा। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। Till then, be happy.